दोस्तों पिछले वीडियो में ना इस गिल नेट का ये नीचे का भाग बनाया था, जिसको आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। इसको मैंने एकदम सरल तरीके से समझाया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम इस नेट के ऊपरी भाग को देखेंगे आने वाली वीडियो में, कि ऊपरी भाग हमने कैसे तैयार किया है। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, यदि टाइम नहीं है तो आप मुझसे खरीद सकते हैं, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस गिल नेट के बारे में देखेंगे, इसमें क्या खास है और इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा पड़ा आज वो भी समझेंगे, और मैं कितने में इसको सेल करूँगा और सेल करूँगा तो कैसे सेल करूँगा आज हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों इस गिल नेट के बारे में मैं सबसे पहले आपको कुछ खास बातें बताऊँगा। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, पहली चीज़ तो ये प्रीमियम बोले तो ये सबसे बारीक वाला नेट है, वो मजबूत है बारीक। इसका जो लाइन है, जिस लाइन से ये फंदा बना हुआ है, उस लाइन का साइज है 0.08 mm, जो सबसे बारीक नेट है। इससे बारीक नेट आता ही नहीं है, एक चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ है, इसका जो फंदा है ना वो छोटी उंगली के साइज का है। इसमें छोटी उंगली हाँ पूरी निकल जाती, उतनी भी नहीं निकलती, लेकिन छोटी उंगली हाफ निकल जाती है, यानी ये 1/4 inch का नेट है। तो इस कारण से ये काफ़ी महंगा भी आता है। इस नेट की लंबाई 600 फिट है, तो जिसको कंप्लीट करके 350 या 400 फिट ही मैंने रखा है, क्योंकि ढीला ढाला नेट बहुत ज़रूरी रहता है। और इस नेट की डेप्थ देखें, अगर इसकी हाइट देखें तो ये 4 फिट है, जो कि 1/4 inch के लिए काफ़ी बेटर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको प्रीमियम बनाती है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये सबसे बारीक नेट है, वो छोटे साइज़ के फंदा है और इसकी हाइट और लेंथ भी काफ़ी बेहतर है। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें हमारे नेट के बारे में। अब हम देखते हैं इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा आया है और इसको मैं कितने में सेल करूँगा और कैसे सेल करूँगा, अब मैं उस चीज़ के बारे में आता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यदि आप पर नेट बन रहा है और टाइम है आपके पास तो आप घर पर ही नेट बनाएं, बिल्कुल ऑर्डर ना करें। यदि आपको फिशिंग का शौक़ है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझसे इसे परचेस कर सकते हो, 5 से 7 दिन में आपके पास कुरियर आ जाएगा, मैं कुरियर करा दूँगा, ठीक। और दूसरी चीज़, इसको बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 3 से 4 दिन ही लगते हैं यदि आप 8-8 घंटे पर डे के दोगे। अब हम बात करते हैं इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा आया है और मैं इसको कितने में सेल करूँगा। यदि खर्चे की बात करें तो सबसे पहला चीज़ ये नेट है, ये प्रीमियम नेट है, सबसे पतला है, सबसे छोटे फंदे का है, तो उसे महंगा आता है। तो इस नेट को मैंने थोक के भाव में ख़रीदा था होलसेल से, तब भी मुझे ये 400 रुपये का पड़ा है, समथिंग 390-400 रुपये का पड़ा है। तो आप 400 रुपये कॉस्ट नेट, खाली नेट का आप मान लीजिए, जो कि 600 फिट लंबा था उसको हमने 350 फिट में बना दिया है, ढीला ढाला रख के 400 रुपये हो गए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है इसका बेट, जो सबसे कीमती चीज़ है इसमें, ये बेट जो कि मैंने लगाया है स्टोन ग्लास है, ये कांच टाइप का रहता है लेकिन आप इसको फोड़ेंगे तो पत्थर जैसा फील होगा। तो ये मुझे समथिंग 500 रुपये के एक नेट में मैंने खर्च किए हैं, करीब करीब इसमें 2 से 3 हज़ार गुड़िए इसमें लग चुके हैं इतने नेट में, क्योंकि इसका वेट मैंने रखा है 1 से 1.5 किलो के समथिंग है इसका वेट, तो इतना खर्चा है। तो 500 रुपये आप मान के चलिए इस गुड़िए का मुझे पड़ा है, ये फिक्स रेट ही है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा या कम भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन 500 रुपये है। तो यदि आप 500 देखते हैं तो 900 रुपये हमारे नेट और बेट के हो गए, खाली नेट और बेट के 900 रुपये हो गए। अब उसके बाद इसमें लाइन, ऊपर जो पकड़ने वाली लाइन डली हुई है, एक अंदर से लाइन डली हुई है, 3 लाइन नीचे है, तो कुल मिला के 5 लाइन है। यदि आप नेट 400 फिट का है और 5 लाइन है तो 2000 फिट आपकी लाइन हो गई। तो ये लाइन ज़्यादा नहीं तो 150 रुपये की आपकी लाइन पड़ेगी ही, तो हम खर्चा देख रहे हैं, तो 150 रुपये की यदि आप लाइन जोड़ते हैं 900 और 150 1050 रुपये, तो 1050 आपके खाली इतने चीज़ के लग गए, लाइन बेट और नेट के लग गए। अब आता है इसमें ये फ्लोट करने के लिए बम्पर बॉल, बम्पर बॉल आप लोकली बना सकते हो, जैसे थर्माकोल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो जो फाइबर की चप्पल होती है, फोम की चप्पल होती है, फोम की चप्पल का भी कटिंग लगा सकते हो, या फिर आप लकड़ी भी आती हैं कुछ जो ज़्यादा तैरती हैं आप उनका भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें जॉइंट सीट का उपयोग किया है जो कि काफ़ी महंगी आती है, 1100 से 1200 रुपये की एक जॉइंट सीट आती है, जिसकी साइज़ करीब 6 फिट रहती है लंबाई में और 2.5 फिट रहती है चौड़ाई में, जॉइंट फ्लोर सीट होती है, फ्लोर पे बछाने वाली। इसका एक खासियत है कि ये पानी में ख़राब नहीं होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है और
पानी को बिल्कुल भी ये सोखती नहीं है, तो ये अपने लिए इसका एक एडवांटेज मिलता है, वो काफ़ी चलती है। तो ज़्यादा नहीं, इसमें फ्लोटिंग बॉल का 50 रुपये का खर्चा आया है, तो आप मान लीजिए अब 1100 रुपये हो गए। ये हमारे टोटल 1100 रुपये का नेट तैयार हो गया, 1100 रुपये ही खर्च हुए हैं नेट में, और इतना प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। प्रीमियम मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसको फिनिशिंग के साथ बनाया है और इसमें प्रीमियम नेट लगा हुआ है। ये आपका कहीं भी फंसेगा नहीं, नेट उलझेगा तो बिल्कुल नहीं। तो 1100 का हमारा ये नेट कंप्लीट हो गया। अब आता है इसको बनाने का, कितने टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मुझे बनाने में 5 दिन लगे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया तब भी मुझे 5 दिन लगे हैं। आपके पास यदि टाइम है तो आप आराम से बना सकते हो 5 दिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1100 का खर्चा है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम 5 दिन का जोड़ें, 5 नहीं, आप मान लीजिए 4 दिन का ही मान लें, यदि हम 4 दिन का ही जोड़ें तो 1600 हमारी मेहनत लगती है इसमें। 4 दिन का यदि आप मानते हो 400 रुपये पर डे के हिसाब से, तो ये हमारे होगा 2700 रुपये। अब ये नेट 1100 से 2700 रुपये पहुँच गया है दोस्तों। और अब आता है इसका कुरियर कराने का। आप ऑल इंडिया कुरियर देखो, इसको 1 किलो से ज़्यादा है और ये जिस बॉक्स में आएगा उसकी हाइट लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो इस हिसाब से आप ऑल इंडिया में यदि कुरियर देखो ना इसका, तो करीब 200-300 रुपये तो लगेंगे ही, इसका कुरियर चार्ज 200-300 तो पड़ेगा ही। तो 1100 में हमारा नेट कंप्लीट हो गया और 1600 रुपये हम मेहनत मानते हैं तो होते हैं 2700 रुपये, और 300 रुपये इसका हम कुरियर चार्ज जोड़ते हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका 3000 का। और आप यकीन नहीं करोगे, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आप देख सकते हो इतने 22000 नेट डले हुए हैं, 3000-4000 रुपये के बहुत थर्ड क्वालिटी नेट डले हुए हैं। तो 3000 में ये हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा बनके, फुल मेहनत मजूरी कुरियर चार्ज सब करके 3000 का ये नेट हमें पड़ रहा है। तो ये था हमारा टोटल नेट का बजट 3000 रुपये। और यदि इसी को मैं अमेजोन पर लिस्टेड करूँगा तो मुझे करीब करीब 1.5 से 2 गुना रेट पर लिस्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा लगेगा और उसका लिस्टेड चार्ज अमेजोन चार्ज या फ्लिपकार्ट जिस पे भी वो लोग चार्ज काटते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये करीब पहुंच जाएगा 4.5 से 5000। लेकिन नहीं, अब बात करते हैं हम इसको सेलिंग की, मैं कितने में सेल करूँगा और किस तरीके से सेल करूँगा और कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 3000 का है, लेकिन मैंने इसका प्राइस रखा है ओनली 2200 रुपये। 2200 रुपये में मैं आपके घर तक भिजवा दूँगा, विद कुरियर चार्ज है ये 2200 रुपये। आप मुझे इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यदि मैं कॉल पिक नहीं करूँगा तो आप व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपका ऑर्डर रिसीव कर लूँगा और आपको ये कुरियर करा दूँगा। ये तो हो गया अपना फिक्स रेट। और अब बात करते हैं इसके डिस्काउंट की, मैं इस पर काफ़ी भारी डिस्काउंट देने वाला हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना पिन कोड भेजिएगा, पिन कोड के थ्रू जितना कम पैसा लगेगा, 300 रुपये हमने इसमें काउंट किया है, जितना कम लगेगा उसका डबल मैं डिस्काउंट दूंगा। यदि आपके पिन कोड पर मुझे 200 रुपये कुरियर चार्ज आ रहा है, 100 रुपये माइनस हो रहा है, 300 जुड़ा ना मैं, तो मैं वहाँ 200 रुपये माइनस करूँगा, इसको सीधा 2000 का आपको लगा दूँगा। यदि 150 हो रहे तो मैं वहाँ 300 रुपये माइनस करूँगा, 300 का डिस्काउंट पड़ेगा, ये 1900 रुपये में मैं आपके घर पर भिजवा दूँगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा नेट है, मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट बनाए हैं, 8-10 नेट मेरे कंप्लीट रखे हैं। आप चाहो तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, 8-10 नेट हैं अभी मेरे पास और काम लगा है, बनते ही जा रहे हैं नेट। यदि मेरे नेट ऐसे सेल नहीं होते तो मुझे मजबूरन लिस्टेड ही करना पड़ेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पर, जहाँ रेट काफ़ी हाई होगा, लेकिन ऑल इंडिया रीच रहेगी तो आराम से सेल होते रहेंगे। तो आप अभी व्हाट्सएप करें और इसका रेट जानें, ये 1900 से 2200 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसकी लेंथ है 350 से 400 फिट, काफ़ी बढ़िया इसकी लेंथ है, और इसकी हाइट 4 फिट है, मैंने पहले ही बताया। और ये 1.5 इंच का नेट है, इसमें छोटी उंगली ही जाती है, वो भी आधे दूरी तक जाती है। और ये जो इसका ट्वाइन है, जिस ट्वाइन से बना हुआ है, वो है 0.08 mm, जो काफ़ी बेहतर है। और बेट मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कितना प्रीमियम तरीके से हमने बेट लगाया, कहीं भी उलझेगा नहीं, ये एक नंबर प्रोडक्ट लगेगा आपको। जैसे ही आप मुझसे परचेस करोगे, आप करते आप भी समझोगे कि हाँ मैंने पैसा अच्छी जगह फंसाया। तो मुझे अभी व्हाट्सएप करें अपना एड्रेस और ऑर्डर अभी बुक करें। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अभी बरसात का मौसम आएगा, हम काफ़ी अच्छी बेहतरीन चीज़ें देखेंगे, काफ़ी गहरे जंगल में जाएंगे फिशिंग करने के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, रेगुलर करते रहिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
मैं बिना किसी लालच के ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप अपने घर पर भी बना सकते हो, बस मुझे आपका एक लाइक चाहिए है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है अगला वीडियो मैं इसके ऊपरी भाग पर ही डालूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।